So we are very happy to meet you. Can you tell us something about Laos, like what you guys are doing here in Laos? Okay, For now we are students, a group of students to do a final project in Laos to introducing a foreigner. ये है लाओस का पकोड़ा. मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हो. और इस मौसम में ना इसके खाने का अलग ही मज़ा है भाईजान. वो जो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ कोना पड़ता है ना, ये वाला भी सुराख है. इससे भी निकल के आ सकते हो नीचे से. दूसरा भी सुराख है और पेरेन में जाके ये आपको भी मिलता है. अस्सलाम वालेकुम जी. वेलकम टू लाओस, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ लाओस, कंट्री नंबर 73. आज हमारा दूसरा दिन है. बेसिकली कल ही मैं यहाँ पे आया था, आपने देखी है वीडियो बॉर्डर से. और आज इंशाल्लाह हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. मेरे साथ है अमीर उमर भाई. अमीर उमर भाई जो है ना, ये यहाँ पे ट्रेवल पार्टनर बने हैं. ये भी विजिट कर रहे हैं ये करीब करीब के इलाके. तो भाईजान आप तो दूसरा दिन है आपका यहाँ लाओस में, तो कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है. छोटा सिटी, मगर अगर इसको देखा जाए कि ग्रीनरीज वगैरह इसके काफ़ी हैं. और कल रात सारी रात बारिश हुई है. अच्छा, बारिश हुई है मगर उतना पानी नज़र नहीं आ रहा है जिस तरह अगर कराची में एक दिन एक घंटा भी बारिश हो जाए तालाब का मंजर पेश करता है. अच्छा, ये जो लाओस है ना, ये अभी जो जितना मैंने देखा है ना, तो ये थाईलैंड की से अगर आप कंपेयर करो तो गांव टाइप लगता है. बिल्कुल एक छोटा, ज़्यादा लंबी बिल्डिंगें भी नहीं है और ज़्यादा कुछ देखने के लिए भी नहीं है. आज हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह, कुछ टेम्पल्स वगैरह है उसको विज़िट करेंगे और कुछ मार्केट्स वगैरह को विज़िट करेंगे. अभी कुछ साथ ही साथ आपको मालूम देते जाएंगे. सबसे पहले जो है ना भाई, तो एयरपोर्ट के थ्रू आए हैं. एयरपोर्ट से ये तो कोई 7-8 किलोमीटर दूर है, राइट? तो 10 मिनट लग जाते हैं वहाँ से. और भाई ने कोई $6 दी है टैक्सी वाले को. टैक्सी से भी आ सकते हो और दूसरा उससे चिंची वगैरह से भी आ सकते. मैं तो बॉर्डर से आया हूँ, वो 20 किलोमीटर दूर था, मैंने $10 दिए, ठीक है. फिर सेकंड नंबर पे ये हमने रूम लिया है होटल का. बड़ा ही खूबसूरत रूम है, बड़ा होटल है, शानदार. यहाँ पे मैं इसको 4 स्टार का दे सकता हूँ दर्जा, लेकिन वैसे है ये 3 स्टार. तो $25 में 2 बंदों के लिए, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है. इसकी लॉबी है, आप देख सकते हो इतनी खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने जो है ना. तो ये बड़ा हमारा जो रूम है वो भी सिंगल बेड से बहुत क्लीन, उसमें पानी वगैरह भी देते हैं, चाय बनाने की मशीन भी है. बाहर से हमारे रूम से ना बाहर का बहुत खूबसूरत व्यू है सिटी का. दोनों तरफ जो है ना विंडोज लगे हुए. तो रूम जो है यहाँ पे होटल रूम बहुत ही चीप रेट पे मिल जाता है. ये तो हमने अच्छा वाला लिया है $25 का 2 बंदों के लिए. तो पर पर्सन कोई $12 का है ये, जो कि पाकिस्तानी 3-3.5 हज़ार रुपये बनेंगे. आप $20 में भी ले सकते हो रूम, $15 में भी ले सकते हो. और आप जो है थाईलैंड से यहाँ आ सकते हो अगर आप थाईलैंड के टूर पर हो या कैम्बोडिया के टूर पर हो, क्योंकि वीज़ा भी वहाँ से मिल जाता है. अलग वीडियो में आप हमारे वीज़ा का एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं, राइट? तो अभी हम बाहर जाते हैं, बाकी मालूम जो है आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दूंगा यहाँ के हवाले से. अच्छा जी, ये हम लोग होटल से बाहर आए हैं. ये हमारा होटल है, आप देख सकते हो एक अकेली बिल्डिंग है. और बाहर यहाँ पे ये पानी जमा हुआ है, आप देख सकते हो खाली प्लॉट है. और जंगल टाइप शहर है, हर तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे सांप और बिच्छू वगैरह भी निकल आ सकते हैं, ठीक है. ये बेसिकली बारिश यहाँ पे बहुत होती है जैसे थाईलैंड में होती है. यहाँ भी कल रात को पूरी रात को बारिश थी. और ये कुत्ते का बच्चा भी है इधर सामने बैठा हुआ. अच्छा, ये असल में हम लोग अभी अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकल के, ये रेस्टोरेंट है हमारे होटल के, ये हमारा होटल है और इससे निकल के ये रेस्टोरेंट है जमील जाहिद पंजाबी रेस्टोरेंट के नाम से. यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे हैं. तो अभी यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, बस खाना ही समझ लो, और फिर जो है ना आगे घूमने के लिए निकलेंगे. तो ये बाहर हाथ धोने की जगह है और ये रेस्टोरेंट है. हेलो, ओपन रेस्टोरेंट, ओपन. ओके, वाईफाई भी है इनके पास. वेयर इज जमील जाहिद? जमील जाहिद, हेलो जमील जाहिद, वेयर इज जमील जाहिद? ओह, यू आर जमील, हु इज ही? ही इज योर फादर, वेयर इज ही? He is here? He is where? He died. Oh, I'm sorry. He from Pakistan? Yeah. Okay. You? Laos.
यू फ्रॉम लाओस. ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. अच्छा, ये जो जिस बंदे ने ये रेस्टोरेंट बनाया है, जमील जाहिद, मतलब जो जहीर नाम है उनका, जमील इनका बेटा है, ये जो अभी आया था, उनकी याद में रेस्टोरेंट बना हुआ है. चिकन कड़ी पंजाबी, चिकन मसाला पंजाबी, बहुत सादा सा मेन्यू है. और चिकन आलू पालक. यहाँ पे करेंसी के हवाले से आपको बताता चलूँ कि किप नाम है इनकी करेंसी का, $1 की तकरीबन 19,500 बनते हैं. तो चिकन कड़ी पंजाबी जो है 35,000 की है, यानी कि तकरीबन $2.25 की है. तो ये आप देख सकते हो, चिकन कबाब 35,000, बीफ कबाब, लैम्प कबाब, दाल कड़ी 25,000 की है, मखनी 30,000, बिरयानी देखते हैं, चिकन बिरयानी 40,000, यानी $2 की, 600 रुपए की चिकन बिरयानी बेच रहे हैं. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें हैं, यानी 40,000 की चिकन बिरयानी है ना, तो आप समझ लो कि 600 रुपए की है, तो एक बंदे से चिकन बिरयानी का काम हो जाता है. ये है भाई लाउस की रोटी, गार्लिक वाली, और एक रोटी 15,000 रुपए की है, यानी पाकिस्तानी 500 रुपए की, क्योंकि ये आटा मेरे ख्याल से ये कहीं और से लाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये रोटी आपको बहुत महंगी मिलेगी. और ये इनका चिकन का सालन होता है. ठीक है, मैं कहीं ये आपको दिखा दूँ कि फूड के ऑप्शन यहाँ काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन होते हैं. खाने के बाद जो है हमारा जो अभी मिशन है वो है चाय का, राइट. तो चाय के लिए हम एक और रेस्टोरेंट आए हैं, रोटी हाउस. यहाँ पे वैसे हमारा खाने का भी इरादा था, लेकिन हमने बोला चलो खाना उधर खाते हैं. ये हमारा होटल बिल्कुल सिटी सेंटर में है, और ये जगह भी सेंटर है. ये रोटी हाउस जो है नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है, इसमें चेक करते हैं कि चाय वगैरह मिलती है या नहीं. ये है भाई चाय का कप, और ये यहाँ पे एक कप चाय जो है ना $1 की है, यानी तकरीबन आप कह लो कि 300 रुपए की ये चाय है. और चाय भी मिल्कपेक वाली चाय है, यानी ताज़ा दूध वाली कड़क चाय नहीं है ये. यार यहाँ लाउस में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि ये लोग दुकानों के आगे ना इस तरफ बहुत सारी ग्रीनरी और ये गुलदस्ते वगैरह रखते हैं, जिससे माहौल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है. अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ दोस्तों, ये इनका जो करेंसी है ना, इनके करेंसी का नाम किप है, किप. और ये 1,000 का जो है नोट है, इनका 1,00,000 का भी नोट होता है. करेंसी इनकी बहुत ज़्यादा डाउन है, तबाह है. और $1 के 20,000 बनते हैं. मैंने इस पर अलग वीडियो भी बनाई है, और आप एक्सचेंज कर सकते हो, अच्छा रेट आपको यहाँ सिटी में मिलेगा. और सिम कार्ड मैंने तो नहीं लिया, क्योंकि 2 दिन का सिर्फ स्टे है, लेकिन ये कि भाई ने एयरपोर्ट से ले लिया था. सिर्फ $2 या $3 का सिम कार्ड मिलता है डेटा के साथ, और इतना महंगा नहीं है. ठीक है, आप अगर सिम कार्ड लेते हो तो आपका चल जाएगा. वैसे भी 2-3 दिन से ज़्यादा तो लोग यहाँ पे आएंगे नहीं, राइट. उसके अलावा ग्रेब उबर वगैरह यहाँ काम नहीं करता, तो ट्रांसपोर्ट के लिए ये जो है ना गाड़ी यूज़ करनी पड़ती है. चिंची टाइप है ये टुक टुक. तो पतोक से, पतोक, यू नो पतोक, पतोसाए, पतोसाए. हाउ मच? 100,000. 50,000 नोट. ओके, टू पीपल. यस, इस जो जस्ट 3 किलोमीटर नियर नियर. फिफ्टी. ओके ओके, आ जा, चलो बैठो. 50,000 रुपये बात हुई है. सिर्फ 3 किलोमीटर का इलाका है, लेकिन इसको इसने शायद बोला कि हम नहीं जानते, लेकिन हमने पहले चेक किया था. 50,000 भी ज़्यादा है, ये आप कह लो कि 20-30,000 में जाना चाहिए इसको, लेकिन 50 भी मैंने इसको ज़्यादा बोले. मैंने कहा चलो इसका बल्ला हो जाए. तो हम लोग ये सिटी सेंटर में रुके हुए, और अभी जो है ना एक पहला अट्रैक्शन जो है पतोसे नाम है उसका, मोनूमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, वो देखने जा रहे हैं. जी भाई, कैसे महसूस कर रहे हो आप इस? बहुत अच्छे महसूस. लैंड क्रूजर में ये सिटी सेंटर है यहाँ वेंचीन का.
अच्छा वन भाई से हमारी बात हुई है, $20 में ये पूरा सिटी का टूर करवाएगा, यू विल गिव अस सिटी टूर, ओके ओके वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, वी कम बैक ओके। ये सारे देखो वो है टुक टुक है सारे, और ये पुराने ज़माने की कैमरामैन भी है यहाँ पे तस्वीर लेके, तो ये आपको तस्वीर देंगे। तो ये पतोसे जो है ना, ये पहला हमारा अट्रैक्शन है यहाँ पे लाउस वेंटीन के अंदर। पतोसे बेसिकली ये मोनोमेंट को कहते हैं, ये बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे काफ़ी जो है, काफ़ी तो नहीं है, थोड़े बहुत तादाद में जो है ना टूरिस्ट आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये एक मोनोमेंट है, सामने एक खूबसूरत तारीखी बिल्डिंग है, और ये जो मोनोमेंट है ये एक हिस्टोरिकल मोनोमेंट है। तो ये फ्रेंच कॉलोनी था ना बेसिकली जो लाउस है, तो फ्रांस से इन्होंने जो है ना वो ली है, आज़ादी ली है। तो यहाँ पे फ्रेंच आर्किटेक्चर भी आपको मिलेगा। कंट्री, ये जो कंट्री है ये काफ़ी बड़ा कंट्री है, छोटा कंट्री नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बांग्लादेश से इसके इसका रकबा ज़्यादा है, या आप ये कह सकते हो कि जो नीदरलैंड है यूरोप में उसका 5-6 गुना बड़ा मुल्क है ये। लेकिन आबादी इसकी कम है, सिर्फ 8 मिलियन आबादी है इसकी, मतलब 1 करोड़ से भी कम, इसीलिए आपको यहाँ पे इतना रश नहीं मिलेगा। बाकी ये भी बात की है हमने बंदे से $20 में, वो 25 मांग रहा था, हमने कहा 20 ले लो, हमने कहा चलो यार उसका जो है ना थोड़ा सा भला हो जाएगा, क्योंकि इतने टूरिस्ट यहाँ हैं नहीं। तो हमने कहा यार एक गरीब आदमी मजदूर आदमी जो है ना उसका जितना हो सकता है उसको फ़ायदा तो हम उसको पहुँचा, इसीलिए ज़्यादा बहस नहीं की हमने। तो अभी 3-4 जगहों पर ये लेकर जाएगा, ये है पहला स्टॉप। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटर फाउंटेन होता है इस जगह पे, लेकिन अभी नहीं हो रहा क्योंकि शाम के टाइम पे होता है 5-6 बजे। वो सामने जो है ना टेंपल है, और यहाँ पे उसके बिल्कुल बैकग्राउंड में पीछे एक छोटी सी मार्केट है, इनके लोकल ड्रेसिंग वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है, और स्टॉल्स लगे हुए लोकल कपड़े गारमेंट्स वगैरह और ये चीज़ें सेल करते हैं, ज्वेलरी वगैरह। छतरी तो नहीं लेनी है भाई, छतरियाँ पड़ी हुई है इधर। ये देखिए इनके दुपट्टे शाल, ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है। हेलो, दिस ड्रेस इज़ हाउ मच? दिस 100-150k, $60 का। ओके आई अंडरस्टैंड, दिस होल ड्रेस राइट? हाँ दिस आल्सो, ये देखो चांदी भी साथ में मिलेगी 150 में, $60 में ये सारा ड्रेस। 400, ओके ओके, इसके साथ 400 में है, ओके और उसके बगैर 150 में है। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, हम तो सिर्फ रेट पूछ रहे, लेना नहीं है यार। मेरा सर ऊपर छत से लग रहा है, क्योंकि ये लोग छोटे छोटे हैं ना, तो अपने हिसाब से इन्होंने बनाया है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ये छत देखो ना, मेरा सर बार बार लग रहा है, आप भी इनकी तरह ही हो मेरे ख्याल, थोड़ा सा बड़े हो। हाँ आप तो माशाल्लाह ज़्यादा टॉल हैं। हाँ मैं अभी यहाँ पे ना शर्ट देख रहा था, और जो इनका लार्ज साइज है एक्स्ट्रा लार्ज, वो हमारी मीडियम के बराबर है, तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये लोग जो चीज़ें बना रहे हैं तो अपने साइज़ को जहन में रख के बना रहे हैं। अभी भी मैं झुक झुक के चल रहा हूँ, क्योंकि ये छत जो है बहुत छोटी है। तो हेलो, ये आपको इनके केले दिखाता हूँ। हेलो, ये देखिए इतने छोटे छोटे केले हैं, ये देख लो, ये इतने छोटे छोटे केले, ऐसे इतने छोटे छोटे। हाउ मच दिस टी शर्ट? 60,000, ओके $3 का है। बियर लाओ ओके, ओके मीडियम, ओके दिस इज 200,000, वाई दिस इज 60,000 एंड दिस इज 60,000। अच्छा साइज बड़ा है तो रेट भी ज्यादा है। XXL, ओके डबल XL, ओके दिस इज 3XL बड़ा, ओके दिस वन हैव दिस
ओके 60,000 बिग साइज है बिग साइज दिस वेयर इज बिग साइज मी मी माय साइज मेरा साइज दिखाओ ना मैं ये पीछे देखो रेस्टोरेंट कैफे भी बनाए इसमें सोने की जगह भी बनाई है ये देखो भाई केले इसने तो फूल भी बेच रही है केले भी बेच रही है कोकोनट भी बेच रही है सोने की भी जगह है रेस्टोरेंट भी है ओके एक से सेल व्हाइट कलर है व्हाइट हेलो अच्छा दोस्तों ये वेंशीन के अंदर हमारा सेकंड डेस्टिनेशन ये टेंपल है इनका जो सबसे मशहूर टेंपल है इसके अंदर जो है एक म्यूजियम भी है उसका नाम है टाट लुआंग म्यूजियम और इसकी एंट्री टिकट है 30,000 की यानी $1.5 पर पर्सन तो इसके अंदर हम जा सकते हैं और ये सामने जो है ना इसमें इनका सबसे जो होली वो है ना बुद्धा है क्योंकि ये बुद्धिस्ट कंट्री है ना ये जो लाओस है तो इसमें जो जैसे थाईलैंड में एमरल्ड बुद्धा है ना वो पैलेस के अंदर ग्रैंड पैलेस के अंदर उसी तरह इसके अंदर भी बड़ा खूबसूरत बना हुआ है ये पूरा एक काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है एरिया है जिसमें मल्टीपल जो है वो टेंपल्स है और काफ़ी जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बच्चे भी स्कूल के आए हुए हैं अच्छा जी हमारा कैप्टन जो है ना वो लेकर आए हैं हमें बुद्धा पार्क और दोस्तों यार बहुत हेक्टिक जर्नी थी 30 किलोमीटर बाहर है ये शहर से और हमारी तो बस फट गई पतलून क्योंकि हम लोग असल में ना वो गाड़ी जो है उसकी सीटें इतनी कंफर्टेबल नहीं है तो हमें जो है ना काफ़ी दिक्कत हुई है यहाँ क्योंकि वो 2-3 किलोमीटर के लिए तो ठीक है लेकिन ये तो बड़ी लंबी जर्नी थी और पार्क भी क्या बुद्धा पार्क है अंदर बुद्धा है तो इसका टिकट भी है 40,000 किप का यानी $2 का एंट्री तो हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए थे हम लोगों ने जो है ना वो ATM से निकाले हैं यहाँ पर कार्ड भी नहीं चलता आपको कैश देना पड़ता है ठीक है तो दो लेंगे टिकट्स आप देख सकते हो ये फॉरनर्स के लिए टिकट 40,000 का है और लोकल्स के लिए 15,000 का ये टिकट ऑफिस है और अभी पैसे लिए हमने जो है ना ये टिकट है जी ये 40,000 का टिकट है और हेलो हेलो आर यू लोकल बहुत अच्छे लोग हैं लोकल ओके ये इसने सुराख कर दिया इसमें लोकल लोग बड़े अच्छे हैं यहाँ के छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत फ्रेंडली है ये देखो भाईजान बुद्धा के स्टैचूस आपको सलाम करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से एंट्री के साथ ही यहाँ पे कैफेज वगैरह बने हुए फूड स्टॉल्स है कि क्या बनाया है इसमें व्हाट इज दिस बनाना हाँ बनाना को पका रही है राइट हाउ मच 2001 हाँ बनाना का क्या है बारबेक्यू टिक्का हाँ कच्चे केले हैं कच्चे बिल्कुल अच्छा अच्छा ग्रीन वाले केलों को ये बना रही हेलो ये बच्चे हैं हेलो यू स्पीक इंग्लिश यू आर फ्रॉम लाओस आर यू स्टडीइंग इन स्कूल व्हिच क्लास वेल आई थिंक ईयर 4 ओके नाइस टू मीट यू एंजॉय ये बच्चे हैं ये देखिए जी वाओ ये स्कूल के बच्चे यहाँ पे हमने जितने भी पार्क्स में गए हैं ना तो बच्चों को टूर करवाया जाता है यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ करवाई जाती है अच्छा ये जो कंट्री है ना अपना लाओस ये बिल्कुल मज़हबी कंट्री है बहुत ज़्यादा मज़हबी है तो हर जगह पे आपको ये टेंपल वगैरह और ये इबादतगाहें नज़र आएंगी ये देख सकते हो और अभी हम लोग जो सिटी से आए हैं ना यहाँ पे 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके तो बहुत सारे गांव आए हैं कस्बे आए हैं और हम बिल्कुल ना मुज़ाफ़ात के अंदर आ गए हैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज़ है अभी आपको दिखाते हैं
ये है जी, ओ यू आर ऑल्सो, ये हमारा ड्राइवर भी जो है ये अपने बच्चों से बात कर रहा है और उनको दिखा रहा है कि ये भी आया हुआ है। ये तो अभी उधर हमसे गायब हो गया था यार। ये देखो काफी पुराने लग रहे हैं ये स्टेचूज वगैरह। और ये है द बिग बुद्धा, ये देखिए ये स्लीपिंग बुद्धा की का स्टेचू है, बहुत बड़ा है, थोड़ा टूटा फूटा भी है। और नीचे ये मंदिर है, मतलब इबादत का। अमेजिंग यार, इतने ज़्यादा स्टेचूज और ये खूबसूरत, बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट है सारा। देखिए स्टेचू ही स्टेचूज, बड़े छोटे। ये पार्क में चलते चलते भी फीमेल बुद्धा आ गए हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटी, बहुत खूबसूरत है, बहुत नाइस। कैंटीन। ये पार्क के एंड पे मैं आया हूँ, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है चेक इन बुद्धा पार्क, का नाम है बुद्धा पार्क। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि यहाँ से नो एंट्री लिखा हुआ है। सामने जो है ना वो थाईलैंड है, वो जितना आपको नजर आ रहा है वो थाईलैंड है, यहाँ से आप देख सकते हो। और ये बीच में रिवर है और इस तरफ जहाँ पे हम खड़े है ये लाओस है। और कल जो है मैं वही से आया हूँ बाय बस, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है ना, तो मैं बाय बस जो है थाईलैंड से क्रॉस करके लाओस आया था। ये इन्होंने यहाँ पे जो अट्रैक्शन बनाई है बिग बुद्धा, इससे भी नज़र आता है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हो, ऊपर जाने के लिए ना इस सुराख के अंदर घुसना पड़ेगा और काफ़ी जो है ना वो झुकना पड़ेगा ये इस तरह। मैं तो लंबा हूँ, ये लोग तो झुक के चले जाते हैं। ये देखिए ये टनल, झुक के जाना पड़ेगा नहीं तो आपका सर लग सकता है छत से। ये सीढ़ियाँ गई हुई ऊपर। ये देखो जी, व्हाट इज दिस ब्रो, चलो अब इधर से जाना है। यकीन करे भाई ये इस सुराख से निकलना होता है एंड में जाके, आप देख सकते हो ये बंदा जो है ना कोशिश कर रहा है। तो इसके बाद फिर ये नज़ारे हैं, इस सुराख से निकलने के बाद ये पार्क से आपको ये व्यूज है। सामने वो रिवर है और उस तरफ वो बॉर्डर के उस पार थाईलैंड है। वो जो कहते हैं ना कि कुछ पानी के लिए कुछ कोना पड़ता है ना, तो ये वाला भी सुराख है, इससे भी निकल के आ सकते हो नीचे से। दूसरा भी सुराख है और पेरेन में जाके ये आपको भी मिलता है पार्क का और पूरा इस एरिया का। इसको कहते हैं कुछ पाने के बाद ये सीन्स और ये व्यू। यार बहुत घूमे हैं, ये जो हमारे पास वो चिंची वाला था ना उसके साथ, और हम लोगों ने अभी वापस आए हैं रूम में जाके थोड़ा सा चेंज वेंज भी किया है, थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं। लेकिन अभी भी दो तीन डेस्टिनेशन रहती थी, उसने कहा उधर भी जाना है, लेकिन हमने 30 किलोमीटर जो है उसके साथ गए, बहुत थक गए यार, बहुत ज़्यादा थकन हो गई, क्योंकि उसका जो बैठने की जगह थी ना वो बिल्कुल कड़क, मतलब लकड़ी की थी। तो ये हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि वो 30 किलोमीटर दूर एक डेस्टिनेशन पे लेकर जाएगा जो बुद्धा पार्क था। तो बस हमने बोला यार छोड़ दो, बाकी अभी शाम भी होने वाली है ना थोड़ी देर बाद, तो हमने फिर इससे रुक गए ये हमारे होटल के पास। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो करीब करीब में बंदा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। $20 दे के उससे जान छुड़ा ली है। अभी ये सिटी में आए हैं तो यहाँ पे ये हमारे होटल के पास ये रेडी है। हेलो, दिस इज़ व्हाट इज़ द नेम, पुनमकू। अच्छा ये पुनमकू जो है ना ये बिल्कुल पकोड़े या समोसे जैसे। तो थ्री, आई वांट थ्री। यस, तो ये अभी टेस्ट किया था, दोबारा हम लोग आए हैं टेस्ट करने के लिए। बहुत अच्छी है, बिल्कुल पकोड़े जैसी चीज़ है, आटे से बनती है। और ये आप देख सकते हो समोसे पकोड़ों टाइप की चीज़ें ये लोग बनाते हैं, एक पाँच छः सात किस्म की है। तो बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, अभी हमने चेक किया है। ये सिटी सेंटर में ना ये 5000 की तीन है, 5000 की तीन, मतलब पाकिस्तानी अगर मैं बताऊं तो
तकरीबन 70-80 रुपए की जो है ना तीन है, और बहुत टेस्टी है। और ये जगह जगह पे इस तरह के स्टॉल्स बने हुए लोकल जो फूड है ना, जैसे ये पकोड़े समोसे टाइप चीज़ें हो गई, आटे से बनी हुई है सिंपल, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और उसके अलावा जो है ना ये देखिए बर्फ लाइव यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये हेलो व्हाट इज़ दिस चिकन, नो इंग्लिश का ना, ये सारा देखिए वो है अपना चिकन वगैरह है, और इसके बारबेक्यू है, ये रोडों पे और बहुत सस्ते रेट पे यहाँ मिल जाता है, बहुत सस्ते रेट पे। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा ये रिवर साइड दिखाते हैं। यहाँ पे रिवर साइड एक रिवर है, उसके ऊपर जो है ना बहुत ज़बरदस्त ट्रैक बना हुआ है, और ये सिटी की वाइब्स है यहाँ पे वेंटीन के अंदर। ये है जी वेंटीन का सिटी, ये इनका लोकल एक फास्ट फूड ब्रांड है लुटेरिया के नाम से। और बाकी जो है अभी जगह जगह पे रेस्टोरेंट्स है, मसाज सेंटर्स है, छोटा सा ओल्ड स्टाइल सिटी है ये। ये है लाओस का पकोड़ा, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है आप देख सकते हो, और इस मौसम में ना इसके खाने का अलग ही मज़ा है भाईजान, बहुत सादा सिंपल सा टेस्ट है इसका। बस चलते हुए अभी रिवर साइड पर जाते हैं, वहाँ पर आपको कुछ दिखाते हैं। मैं असल में ना यहाँ पे घूम रहा था, ये जो वेंटीन है लाओस के, इसमें ये मुझे स्टूडेंट्स मिले हैं यहाँ पे चलते चलते, तो इन्होंने हमसे इंटरव्यू किया है, पूछा है कुछ लाओस के बारे में, तो इनसे भी हम पूछते हैं। वेलकम टू माय वीडियो, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज थात, और यू कैन कॉल मी टिक। टिक? यस टिक, ओके टिक। सो वी आर वेरी हैप्पी टू मीट यू, एंड कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट लाओस, लाइक व्हाट यू गाइस आर डूइंग हियर इन लाओस? Okay. Uh-huh. For now, we are student, a group okay. student to okay. do a final project in Laos to introduce mm-hmm. a foreigner. Okay. And he is a foreigner that I shoot the interviews. Thank you so much. Thank you so much. How many foreigners coming to Laos? How many visitors? I'm not sure. Okay. But after COVID-19, it's quite like not much. But normally, how many people? I'm not sure, but it's a lot. Like 5 million, 10 million? In one year. Around that. But what is special in Laos? Like somebody, why should someone visit Laos? Is this special in Laos is like a cultures. Okay. A cultures in Laos and a mountains or a view. Okay, we natural beauty. Okay. Yes, like we have a lot for now. Okay. We have a lot in the countryside. We have a mm-hmm. big mountains and a river. It's really okay. clean for now. And I really recommend okay. to you guys to come to our country. Okay. Yes. Thank you so much. आप सबको बहुत थैंक यू। अच्छा भाई अभी शाम होने वाली है, शाम जल्दी हो जाती है यहाँ पे 6:30 बजे, ये लाइटें ऑन हो गई है। ये सारी इस तरह की स्ट्रीट्स है यहाँ पे, ये जो वो है ना वेंटीन है या वेंटीन है, यहाँ पे इस तरह की स्ट्रीट्स है। अभी हम चलते चलते ये उस पे आ गए हैं, वो लोकल से मिलने के बाद जो है हम लोग ये रिवर साइड पे आए हैं। तो हमारा जो टूर हमने बंदे के साथ किया था, उसने हमें ज़्यादातर टेंपल्स ही दिखाई है, और भी टेंपल्स दिखाने लेकर जा रहा था वो हमें, तो फिर हमने कहा यार बस अभी आप रहने दो, तो हमें कुछ और भी देखना चाहिए ना। तो ये अभी रिवर साइड पे हम लोग आए हैं, और रिवर साइड पे आप देख सकते हो ये लोकल्स जो है बाइक्स और ये चिंचीज वगैरह में चल रहे हैं, और हम जो है बस रोड क्रॉस करने वाले हैं। ये मार्केट है रिवर साइड पे बनी हुई है, जिसमें ये गारमेंट्स शारमेंट्स और ये शूज़ वगैरह और ये चीज़ें आपको, ये मोबाइल के केसिंग्स वगैरह भी है, तो बिल्कुल नॉर्मल प्राइस पे। ये बहुत लॉन्ग मार्केट है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस आप इसमें 2-3 किलोमीटर तक वॉक कर सकते हो। ठीक है जी, ये लोगों का रश देख सकते हो, सारे ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो लोकल्स हैं। ये खातून बाल बेच रही है यहाँ पे, ये ज्वेलरी है, और अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई प्राइसेस वगैरह का क्या वो है, दिस इज़ हाउ मच,
55 ये 55,000 का है लोकल, यानी तकरीबन $3 के आसपास ये स्क्वायर फीट। तो ये मार्केट है, काफ़ी लंबी चौड़ी है। अभी हम लोग ये रिवर्स साइड पे जा रहे हैं। जी भाई लेना है कुछ? क्या प्राइस है इसकी? आ जाओ, बिजी है, बिजी है। यहाँ पे हज़ारों स्टॉल्स हैं। अच्छा, ये अशिया वगैरह का। सामने कोई लाइव म्यूजिक चल रहा है, आपको दिखाते हैं कि ये क्या है। ओ, इनका कोई ट्रेडिशनल लोकल शो है ये। फेस्टिवल चल रहा है इनका लोकल, जिसमें आप देख सकते हो पीछे म्यूजिक है, बच्चे गाने गा रहे हैं लोकल, और साथ में ये फूड स्टॉल्स बने हुए हैं, तो लोग जो है ना लोकल फूड एंजॉय कर रहे हैं। और ये रिवर साइड पे एक बहुत लॉन्ग इस तरह वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, इस पर इन्होंने बहुत सारे एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ रखी है। ये देख सकते हैं आप, एक छोटा सा खूबसूरत थीम पार्क बना हुआ है बच्चों के लिए, बच्चे आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे उस तरफ आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज़ वगैरह भी हैं। यहाँ के लोकल लोग ज़्यादातर आते हैं यहाँ पे इंजॉय करने, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए। ये बहुत लॉन्ग ट्रैक है, क्योंकि कल रात को मैं यहाँ पर आया था ना, तो हमने कोई 3-4 किलोमीटर तक वॉक किया था, लेकिन ये ट्रैक ख़त्म नहीं हुआ था। वो रात का टाइम था, अभी भी शाम का टाइम होने वाला है, तो अभी भी हम दोबारा आए हैं। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो भी बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। फॉरेनर्स यहाँ पे हमें बहुत कम मिल रहे हैं, मतलब ज़्यादातर जो है ना लोकल्स हैं। और ये अगर आप देखें ना, तो ये सामने ये थोड़ी सी खाली जगह बहुत है, रिवर थोड़ा सा सूखा हुआ है अभी इस टाइम, लेकिन आगे जाएंगे ना तो वहाँ पे रिवर बड़ा बड़े साइज़ का है। तो एक हैपनिंग सी लाइफ है यहाँ पे, स्पेशली ये रिवर साइड के ऊपर। तो यहाँ के लोकल जो लोग हैं काफ़ी फ्रेंडली है। अच्छा दोस्तों, अभी शाम हो गई है यहाँ पे वेंटिन में, लाउस में, और काफ़ी ह्यूमिडिटी है यहाँ पे शाम के टाइम। अभी हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट आए हैं नाजिम के नाम से, नाजिम रेस्टोरेंट। हेलो भाईजान, कैसे हो? इंडियन रेस्टोरेंट है राइट? या। अच्छा, ये देखिए सामने नाजिम हलाल, इसमें आज ट्राई करते हैं कुछ खाना पीना। भाई ये इंडियन रेस्टोरेंट है और इसमें भी वही चीज़ें मिलती है, दाल और बिरयानी और कढ़ाई और जो भी चीज़ें आपको नॉर्मली मिल जाती है, इनकी रोटी है। और प्राइसेस इनके सालन वगैरह के थोड़े ज़्यादा है, बाकी रोटी वही 15,000 की है। ठीक है, बिरयानी हमने खा ली है, हम याद नहीं रहा बाकी ये कि बाकी चीज़ें भी हैं। तो ये है सेटिंग एरिया, और बस अभी जो है खाना खाने के बाद वापस होटल जाएंगे। फाइनली जी हम अपने होटल में वापस आ गए हैं, बड़ा हेक्टिक दिन था, बहुत आगे पीछे हम लोगों ने विजिट किया है, और फिर जो है ना ये 2-3 तो हमने रेस्टोरेंट विजिट किया आज के दिन में। तो अभी जो है हमारा ट्रिप है डन, शाम हो गई है, रात का टाइम है, अपने होटल में वापस आ चुके हैं। अच्छी जगह है, 2-3 दिन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप ज़्यादातर लोग ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए आते हैं यहाँ पे, जो मैंने पाकिस्तानियों को देखा है, लेकिन मैं तो खैर एक्सप्लोर करना चाह रहा था पर्सनली, क्योंकि मुझे ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लोर करूँ। तो मेरा 73 कंट्री शायद आपको पसंद आ गया होगा इस वीडियो में, आप भी अगर विजिट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये कि थाईलैंड और मलेशिया इस साइड पे जब आते हो तो फिर जो है इसको विजिट करें तो ज़्यादा बेहतर है और आपको सस्ते में पड़ेगा। उसके अलावा चंद टिप्स देना चाहूँगा, खाना पीना यहाँ मिल जाता है, इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत है, पाकिस्तानी भी है, आप चेक करें 2-3 रेस्टोरेंट्स के रेट्स भी चेक करें, उनका जायका एक बार चेक करें, उसके बाद जो है ना फिर डिसाइड करें कि कौन सा वाला बेहतर है। हमने तो चेक किया था, एक जो है हमें पसंद आया, लेकिन बाकी जो है उनका फूड एवरेज ही था।
ठीक है, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में अगर ये टुक टुक वाले हैं ना, अगर आपसे 50,000 1,00,000 रुपए मांगते हैं तो आप 50,000 बोलो या 40,000 बोलो, क्योंकि ये लोग पैसे ज्यादा मांगते हैं क्योंकि यहाँ इतना टूरिस्ट नहीं है ना। उसके अलावा कोशिश करी बाई एयर आए, क्योंकि मैं तो बाई रोड आया था तो बाई रोड थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन मैं तो चूंकि एक्सप्लोर करना चाह रहा था इसलिए मैं थाईलैंड से बाई रोड आया। आप जो है मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप हैसल से बचना चाहते हैं तो बाई एयर जो है यहाँ पे आ जाए। इमिग्रेशन से भी इतना मसला नहीं होगा आपको, इमिग्रेशन वाले भी तंग नहीं करेंगे क्योंकि एयरपोर्ट पे जनरली थोड़े ट्रेंड इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, राइट। और बाकी जो है सारी चीजें ओके है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है थाईलैंड और कैम्बोडिया के मुकाबले में। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि 15-20% जो है ना ये चीप है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। तो थैंक यू गाइस।